अगला प्रश्न श्री नारायण बेनीवाल, प्रश्न संख्या 204, खंड एक। जी हाँ, आशा सहयोगिनियों की मुख्य मांगे एवं उस पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है। आशा सहयोगिनियों को स्थायीकरण के संबंध में यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और ना ही श्रमिकों के भांति इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। दो, आशा सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि ICDS की ओर से आशा सहयोगिनियों को प्रतिमा नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। 1/8/19 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमा किया गया, जो पूर्णतः 100% राज्य सरकार द्वारा देय है तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग के द्वारा आधारित चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी दिया जा रहा है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अपर अवलोकनार्थ है। इस संबंध में कार्य आधारित भुगतान बढ़ाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। आशा सहयोगियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर दिया जाएगा। खंड 3, ANM के कोर्स में 10-20-30% आरक्षण के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु 5%, आशा सहयोगियों हेतु 10%, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों हेतु 15% आरक्षित किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 3 विभाग के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 1/1/21 द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसकी प्रति परिशिष्ट स पर संलग्न है। खंड 4, आशा सहयोगिनियों को श्रम अधिनियम के अनुसार उच्च कुशल कार्य का लाभ के संबंध में ये मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। इन पर राज्य सेवा के कर्मियों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है, न ही श्रमिकों के बराबर इनके घंटे तय हैं। मानदेय के अलावा ये अन्य कार्य भी कर सकती हैं। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में किए जाने के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण आशा सहयोगिनियों को मानदेय ICDS विभाग द्वारा एवं इंसेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है। 6, आशा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आशाओं को पदोन्नति के संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाली आशाओं को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर वरीयता दिए जाने के संबंध में चिकित्सा विभाग द्वारा समक्ष सक्षम स्तर से 318 पदों हेतु अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। 7, आशा सहयोगियों को पद पर रहते हुए अन्य कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान के संबंध में आशा सहयोगियों को ANM प्रशिक्षण में चयनित होने पर मानदेय पद रिक्त रखते हुए अवकाश स्वीकृति की अनुमति दिए जाने के संबंध में आदेश की प्रति परिशिष्ट द पर संलग्न है। खंड 2, प्रत्युत्तर बिंदु संख्या 1 में ही समाहित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से ये जानकारी चाह रहा हूँ कि क्या पड़ोसी राज्यों में जो मानदेय है आशा सहयोगिनी का, उनके बराबर इनका मानदेय रखने का कोई सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य की अपनी अपनी नीति है और मैं समझती हूँ राजस्थान हिंदुस्तान में भारत में पहला ऐसा राज्य है जो 2700 रुपये की राशि आशा सहयोगिनियों के नाम पे 100% अंशदान राज्य सरकार द्वारा दे रहा है। इंसेंटिव के तौर पे जो मेडिकल विभाग द्वारा दिया जाता है उसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम है, उनके आधार पे विभिन्न राज्यों में इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन मानदेय हमारा अन्य राज्यों से ज़्यादा है। साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सहायिका सभी में भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% के अनुपात में भुगतान किया जाता है। लेकिन मुझे सदन को बताते हुए हर्ष भी है और दुख भी है कि जो अनुपात भारत सरकार का है वो पूरा नहीं होते हुए आज की तारीख में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 62% अंशदान राजस्थान सरकार दे रही है और 38% अंशदान केंद्र सरकार दे रही है, जो कि उल्टा है। होना इसका 60% हमारा चाहिए।
अगर माननीय सदस्य को बहुत चिंता है, सदस्य के भाई भी सांसद है, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भारत सरकार से मांग रखें कि 2700 रुपए के अनुपात में अगर हमारा 40% माना जाए और इसका 60% अगर भारत सरकार देती है तो 4050 रुपए की वृद्धि भारत सरकार द्वारा इनके मानदेय में होगी। अगर ये 60-40 जो आंगनवाड़ी सहायिका और सहयोगनियों के है उसी अनुपात में देते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे विपक्ष के साथियों से कि जो आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी वर्कर्स के अनुपात है, इसी अनुपात को आप आशा सहयोगनियों के अनुपात में भी तब्दील कराएं और भारत सरकार से 60% का अंशदान हमको 4050 रुपए हमारी बहनों को दिलाएं, जिससे हमारा ये मानदेय है बराबर हो सके और इनमें एक तरह से जो अंतर आ रहा है वो अंतर ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी को पता नहीं है, चिंता है तभी तो ये प्रश्न उठाया विधायक ने, और विधायक के भाई सांसद है तो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा, सबसे पहले ये लोकसभा में तो आप स्टेट के मिनिस्टर हैं, आपसे यही मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को कोई स्थायीकरण या कोई संविदा कर्मी मानने का सरकार विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी उस दौरान ही उसमें ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मानदेय कर्मचारी हैं, इनको संविदा कर्मचारियों के रूप में भर्ती नहीं की गई है, इसलिए सरकार इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं करती। अगला प्रश्न राजेंद्र राठौड़, प्रश्न संख्या 525। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से